अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सकें। तो इसके लिए हमने ली है स्किन ऑन चिकन, यानी कि स्किन के साथ, लेकिन आप इसके लिए बगैर स्किन की चिकन भी ले सकते हैं। मैंने 3 पाव ली है, और आप इसके लिए बड़े साइज़ की चिकन लेंगे तो आप चिकन लेके उसके 12 या 8 टुकड़े कराइएगा। इसके अलावा इसके लिए हमने ली है 1 टीस्पून दखनी मिर्च पाउडर और 3/4 टीस्पून नमक। नमक जो है वो सिर्फ चिकन के हिसाब से है, राइस का नमक हम उसके साथ ही डालेंगे। इसके अलावा हमें 2 सूखे हुए नींबू चाहिए, ये हर जगह पंसारी की दुकान पे मिलते हैं, लेकिन अगर ना मिले तो 2 टेबल स्पून लेमन जूस, और उसके साथ 2 नींबू का छिलका जेस्ट निकाल लीजिएगा, उसका पीला वाला पोर्शन। इसके अलावा एक 5 स्पाइस पाउडर बनाया जाता है जो कब्सा के लिए स्पेशल होता है, तो मैं भी आपको एक 5 स्पाइस पाउडर सिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बादियान फूल की पत्तियाँ ली हैं, आपके पास साबुत हो तो 2 डालिएगा। इसके अंदर जाएगा 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 छोटी इलायचियाँ, 7 लौंगें और 2 बड़ी इलायचियों के सिर्फ दाने लेके इन सबको ग्राइंड करके मैं एक पाउडर बना लूँगी। साथ ही एक लार्ज साइज़ का टमाटर लेके उसे हमने ग्राइंड कर लिया है, और इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून। साथ ही इसको आप ऑयल में बनाएं या घी में, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 2 ग्लास राइस के लिए, आपको ग्लास दिखा रही हूँ तो आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए, सेला राइस हैं, इन्हें मैंने 2 घंटे भिगोना है और बहुत अच्छे तरीके से पानी से धो के भिगोना है। इसके अलावा इसके अंदर 2 टेबल स्पून किशमिश, 2 टेबल स्पून ब्लांच करके छिलका उतारे हुए बादाम और 2 टेबल स्पून ही काजू हैं, बादाम और काजू को 2 टुकड़े कर लिया है। 1.5 टीस्पून नमक है जो कि राइस के हिसाब से है, लेकिन आप चख के हसबे जायका डालिएगा, और थोड़ा सा जर्दे का रंग जाएगा जो कि एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो करें और चाहें तो उसे स्किप कर दें। तो अब देखिए मैंने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैं 2 टीस्पून भर के देसी घी के डाल रही हूँ, बस मैं इतना ही देसी घी इस्तेमाल करूँगी। और इसके अंदर सबसे पहले हमारे ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे, और इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो मैं इस देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, बस अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लूँगी। इसके बाद उसी घी के अंदर हमने 1/4 कप तक ऑयल ले लिया है, और इसमें चली जाएगी प्याज। प्याज को हमने पुलाव की तरह बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बल्कि हमने इसके किनारे जैसे ही गोल्डन होंगे तो इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देने हैं। तो मैं इसे अच्छे देखिए बिल्कुल लाइट लाइट सी गोल्डन होनी स्टार्ट हुई है, बस अब इस वक्त हम इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले चला जाएगा लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही इसके अंदर अब हम चिकन को शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले हम चिकन को बिसांदा पानी भूनने और कलर चेंज होने तक पकाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी, तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले लगे नहीं। इसमें चला जाएगा नमक और दखनी मिर्च पाउडर, आप काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, सूखे हुए नींबू या लीमू का रस और जेस्ट। अब देखिए ये 5 स्पाइस पाउडर है और मैं 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा बना था, तो अगर आपका भी ज़्यादा बने तो सिर्फ 1 टेबल स्पून ही यूज़ कीजिएगा। इसे अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ, और इसके बाद चिकन का पानी खुश्क होने और उसका कलर चेंज होने तक मैं इसे ढक के अच्छी तरह पका लूँगी। अब देखिए थोड़ी देर के अंदर चिकन का बिसांदा पानी जो है वो भुन गया है और कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर चला जाएगा टोमेटो प्यूरे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद हम चिकन को 2 से 3 मिनट इसमें भी पकाएंगे। तो मैं इसे कवर लगा के तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी। 3 से 4 मिनट के अंदर दोबारा से इसका पानी खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इस वक्त मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के चिकन को 90% गलाऊँगी। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट के अंदर मेरी चिकन जो है वो 90% गल गई है, और अभी थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसके अंदर बाकी है, तो मैं इस टाइम के ऊपर चिकन को निकाल रही हूँ। तो अब इतनी देर मैं इस मसाले के अंदर
2 गिलास राइस के लिए 3.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, और इसे जोश देकर फिर मैं इसमें चावल डालूंगी। तो मैं इसे जोश देने के लिए रख दूंगी, और नमक मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डालने के बाद 1/4 टीस्पून नमक और डाला था, तो आप भी चखने के बाद इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले इसे जोश दे लेते हैं। तो अब देखिए, थोड़ी देर के अंदर ही हमारे चावलों का पानी जो है वो उबलने लगा है, तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे और इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं चावलों का पानी खुश्क होने तक उनको कवर लगा के पका रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। इतनी ही देर के अंदर जब चावल पक रहे हैं, मैंने क्या किया है, 1 टेबल स्पून पानी के अंदर थोड़ा सा ज़रदा रंग मिलाया है, और इसमें मैं चिकन की बोटियों को डिप करके निकाल रही हूँ। तो देखिए, मैंने 2-3 टेबल स्पून के करीब ऑयल जो है उसे गर्म कर लिया है, उसमें हम चिकन रखेंगे और इसको 1-1 मिनट लगेगा और हम इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मैंने आँच को तेज़ रखा हुआ है और तेज़ आँच के ऊपर ही मैंने इसको फ्राई करना है। तो अब देखिए, बस इसको 1-1.5 मिनट के अंदर ही दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है, तो मैं इसे हटा लेती हूँ और अब हम अपने राइस की तरफ जाएंगे जो उबल रहे हैं उन्हें देखेंगे। तो देखिए, इतनी देर में बीच में राइस भी उबल रहे हैं और पानी थोड़ा रह गया है, तो जब पुलाव की तरह ही इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इन्हें दम लगाएंगे। अब देखिए, चावलों का पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है, तो अब इस वक्त मैं चिकन इसके अंदर रख रही हूँ दम लगाने से पहले, और मैंने एक फ्लैट तवा जो है उसे गरम कर लिया है। हम बिल्कुल इसे बिरयानी या पुलाव की तरह ही दम देंगे, और जो थोड़ा सा मसाला बचा था वो मैं एक साइड के ऊपर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल इसको ना डालें और कलर वाइट ही रहने दें। तो बस अब इसको नीचे तवा रख के मैं कवर ढक के बिल्कुल उसी तरह 15 मिनट दम लगाऊंगी जिस तरीके से हम पुलाव या बिरयानी को देते हैं। तो अब देखिए, हमारे राइस को अच्छा सा दम आ गया है, और अब हम वापस से इसके तमाम चिकन पीसेस को निकाल लेंगे, क्योंकि ये अरेबिक राइस जो हैं ये थाली के अंदर सर्व किए जाते हैं, तो सबसे पहले राइस की लेयर लगती है। अब इसमें से हमने जो ड्राई लेमन डाला था वो भी निकाल देंगे, हल्का सा करछी से हम राइस को खोलेंगे, और अब हम इन्हें एक सीधी फ्लैट थाली के अंदर निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ये अरेबिक तरीका है राइस को सर्व करने का, कि एक बड़ी सी थाली के अंदर पहले वो बहुत सारे राइस को लगाते हैं, उसके बाद उस पे ड्राई फ्रूट लगाया जाता है जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था, तो हम लगा रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखे जाते हैं और फिर सर्व किया जाता है। तो हमने भी इसे इसी तरीके से सर्व किया है, साथ में बीच में हमने टमाटर की चटनी रखी है, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक्स दीजिएगा। हमने चापे ली हैं, मटन चॉप्स हम बना रहे हैं, और इनकी आप सूरत पे मत जाइएगा, इसलिए कि ये 1 दिन पहले से लहसुन अदरक और कच्चा पपीता लगा के मैंने मैरिनेट करके रखी हुई हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने पहले से मैरिनेट करके रख दी हैं, क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी बनानी थी, लेकिन आप जो हैं इसे तमाम मसाले के साथ एक दफ़ा ही मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो इसके अंदर हम तमाम मसाले मिलाएंगे, आधा पौना घंटा 1 घंटा इसको मैरिनेट करेंगे जितना कि हमारे पास टाइम हो, और उसके बाद हम इन्हें पैन में पकाएंगे। जो मसाले हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, भून के पिसा हुआ धनिया, भून के पिसा हुआ जीरा, मक्खन, सिरका, और सिरके की जगह आप इमली का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नींबू का रस भी, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च, टोमेटो केचप, टोमेटो पेस्ट,
और तमाम चीज़ें मेजरमेंट में कितनी हैं ये आपको वीडियो के शुरू में कार्ड में मिल जाएगा। दो मीडियम साइज़ की प्याज हैं, बारीक चॉप कर लिया, आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। छोटी वाली हरी मिर्चें, ये हम साबुत ऐसे ही डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल है, बटर के साथ इस्तेमाल होगा। और इसके अंदर हम दही इस्तेमाल कर रहे हैं 1/2 कप। इसमें हम तमाम मसाले मिला देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और फिर हम इसको सिंपली 2 टेबलस्पून बटर में पैन के अंदर पकाएंगे। तो अब मैं इसे कवर कर रही हूँ और कवर करके मैं इसे 1.5 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और फिर हम इसे पकाएंगे। एक पैन के अंदर सबसे पहले हम ऑयल और बटर डालेंगे। बटर को हल्का सा मेल्ट होने देंगे और इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे तरीके से सौते करेंगे। प्याज हमारी जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी, हमें इसको लाल नहीं करना है, बिल्कुल गुलाबी करना है। तो इसके अंदर हम ये अपनी मैरिनेट की हुई चांपे डाल देंगे, सारा मसाला भी डाल देंगे। इन चांपों को हम अच्छे तरीके से मसाले में भूनेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन चांपों में से पानी निकलना चाहिए, इसलिए मैं आँच को मीडियम लो की तरफ करके सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इन्हें कवर करूँगी। थोड़ी सी देर लगेगी, चांपों में से पानी निकल आएगा और फिर हम इसे खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो देखिए 2-3 मिनट गुजरेंगे, चांपें पानी छोड़ देंगी, कलर चेंज होने लगेगा। अब इस वक्त आँच फुल करके इन्हें अच्छे तरीके से हम भूनेंगे और फिर इसके अंदर दही डाल देंगे। तकरीबन 5 मिनट लगे और ऑयल सेपरेट होने लगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिएगा, वरना इसके अंदर लंप बन जाएंगे, कर्डल हो जाएगा वो। इस तरह पैन में इन्हें बिछा के कवर कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इन्हें पकाऊंगी। दही का पानी पूरा अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा, तो हम इन्हें पकने के लिए और पानी डाल देंगे और उस वक्त तक हम इन्हें पकाएंगे जब तक तमाम मसाला भुन नहीं जाता और हमारी चापे हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाती। 5 मिनट के अंदर दही भुन गए, हम वेट नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। आपने इस वक्त पानी देख के डालना है। जोश आ गया, इसको वापस से बंद कर रही हूँ और अब कवर करके मैं इसे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर फिर इतनी देर पका लूंगी कि ये गोश्त बिल्कुल टेंडर हो जाएगा और हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। एक चीज़ जो दिखानी भूल गई हूँ वो है हरी मिर्चें। इस टाइम पे आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद चापे ना सिर्फ गल गई हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो गया। आप चाहें तो इस टाइम के ऊपर चूल्हा बंद करके इसके अंदर कोयले का धुआं देके इसे बारबेक्यू इफेक्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका अरोमा और टेस्ट हो जाएगा और इसको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसे यूं ही सर्व कर रही हूँ। तो चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर देते हैं। तो हमारी मज़ेदार मसालेदार और स्पाइसी मटन चॉप्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास बीफ का कीमा है, तकरीबन 70% 30% फैट रेशियो के हिसाब से। उसके अलावा ये 2 दफ़ा मोटी मशीन से निकला हुआ है, अभी बारीक मशीन में मैं इसको दोबारा चलाऊंगी। अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं और आपके कीमे में पानी है तो उसकी कुदरती चिपक ख़त्म हो जाएगी। कबाब को श्रिंक होने का जो मसला है कि कबाब बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि उनमें पानी होता है, वो रिड्यूस हो जाता है और कीमा जो है वो सुकड़ के बिल्कुल शेप भी ख़राब हो जाता है और साइज़ भी बहुत छोटा हो जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। मेरे पास 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, ये हम चॉपर में चलाएंगे। इसी तरीके से ये रेड थाई चिलीज़ हैं, बहुत तेज़ होती हैं, तो इसकी जगह आप रेड शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। 3 मोटी वाली हरी मिर्चें,
दो स्मॉल साइज के टमाटर हैं, बीज निकाल के सिर्फ उनका जो गूदा है वो यूज कर रही हूँ। एक लार्ज साइज का प्याज है, ये अलग से चॉपर में चलेगा और इसका भी पानी निचोड़ लिया जाएगा। 2 कप हरा धनिया और पुदीना है बारीक चॉप हुआ हुआ। 2 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट है। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक है। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर भुना हुआ जीरा है और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चें, दोनों को मिला के मैंने ग्राइंड कर लिया था। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर पपरिका पाउडर है। आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्चें भी ले सकते हैं, और अगर आपको लाल शिमला मिर्च मिल जाए तो वो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वही ओरिजिनली इसके अंदर डलती है। तो देखिए जनाब, हमने तमाम चीज़ें तैयार कर ली हैं। प्याज जो है इसको देखिए, मैंने ग्राइंड करने के बाद इसका सारा पानी निकाल दिया, तो ये एकदम भुरभुरी हो गई है। ये है टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके अलावा ये है अदरक और लाल मिर्चें, और इसको चलाने के लिए मुझे थोड़े से लिक्विड की ज़रूरत थी तो मैंने लहसुन पिसा हुआ इसमें डाल दिया था। तो ये तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें खीमे में मिलाएंगे, और सारा मसाला खीमे में मिलाने के बाद हम बारीक मशीन से टीमे को दोबारा निकालेंगे। आपने ये सब चीज़ें तैयार करनी है, बोटियों के ऊपर ये सब चीज़ें लगानी है, और लगाने के बाद आपने बुचर के पास भेज देना है, उससे 2 दफ़ा बारीक मशीन से निकलवा के मंगा लेना है। आपका सेम वही काम हो जाएगा जो कि घर पे मशीन होने की वजह से होता है। अब देखिए, खीमे को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, तमाम मसालों को एक जान करेंगे, और इसी वक्त हरा धनिया पुदीना भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स भी कर लिया है, और एक दफ़ा दोबारा बारीक मशीन से निकाल भी लिया है। बिल्कुल ये अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब मैं इसे कवर लगा के ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, और इसके ऊपर जो धुआं लगाना है वो मैं नेक्स्ट डे लगाऊंगी जब मैं इसे रेडी कर रही होंगी। तो अब नेक्स्ट डे मैंने इसके अंदर बीच में जगह बना के एक स्टील का बोल रख दिया है। आप इसके अंदर फॉइल भी रख सकते हैं। एक जलता हुआ कोयला इस बोल में रखा है मैंने, और इसके ऊपर हम तेल डाल के फौरन ढक्कन लगा देंगे। मैंने इस पे एक पतीली रख दी है ताकि वज़न रहे, और 2-3 मिनट लगा के हम इसे हटा लेंगे। अब मैंने इसके बाद एक बटर पेपर ले लिया है, तवे वाला जो कबाब है वो हम इसके ऊपर बनाएंगे, और इसके लिए हमने एक सीधा तवा जो है वो दरमियानी आंच पे गरम करने रख दिया है। जितने कीमे का हमने कबाब लेना है वो हम कीमा लेके बटर पेपर पर रखेंगे, और हाथ से अच्छे तरीके से शेप देकर एक गोल, बिल्कुल इसका बड़ा सा एक टिक्की की तरह बना लेंगे, बड़ी सारी टिक्की। इसे बिल्कुल अच्छी तरह इवन बनाइएगा, हर तरफ से इसका जो मोटाई है वो एक जैसी रहनी चाहिए। अब गरम तवे के ऊपर सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। इसके बाद हम बटर पेपर के साथ ही कबाब को उठाएंगे और आराम से बिल्कुल तवे के ऊपर डाल देंगे, और इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। मीडियम लो की तरफ फ्लेम रख के हमने इसे उस वक्त तक पकाना है, तकरीबन 4 मिनट, जब तक ये एक साइड से पक नहीं जाता। आप इसे इतनी देर के अंदर बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। तो देखिए 4 मिनट हो गए हैं इसे। अब हम इसे किस तरीके से पलटेंगे, एक प्लेट रख के तवे को उल्टाएंगे और ये प्लेट के ऊपर आ जाएगा। बस अब हम इसे दोबारा से स्लाइड कर देंगे तवे के ऊपर। तो इसके अंदर आपने ऑयल बिल्कुल कम रखना है। इस टाइम के ऊपर आप इसमें दोबारा चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं। दूसरी तरफ से भी हम इसे 3-4 मिनट पकाएंगे, और बस फिर ये रेडी हो जाएगा। तो अब मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले एक प्याले में पानी लें और हाथ को पानी से गीला करें। उसके बाद चपटी वाली सीखें आपने इसके लिए इस्तेमाल करनी है। आपने जितना कीमे का एक सीख बनानी है उतना कीमा आप हाथ में लेके उसे थोड़ा लंबाई में लेके शेप दे लें, और फिर सीख पे अच्छी तरह रख के बिल्कुल जिस तरह आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा थोड़ा दबा दबा के बिल्कुल अच्छे से फैला लें, जितना लंबा आपने कबाब बनाना है उतना। और इसकी दोनों किनारों को आपने लाजमी जो है वो दबा के बंद करना है। इसके बाद उंगली से इसके ऊपर इस तरह के निशान लगाएं, अच्छे से इसको शेप सही करें,
दोनों तरफ निशान आने चाहिए और बस इसे रख दें। और मैंने एक डीप पैन लेके उसके ऊपर इन सीखों को रखा है, साथ में एक सब्जियों की सीख भी तैयार की है जो कि इसके साथ सर्व होगी और बहुत मज़े की लगेगी। तो एक कबाब जो है वो मैं ज़रा जल्दी से आपको बना के दिखा देती हूँ। पानी हाथ में लगा के आपने इसका बिल्कुल अच्छे से शेप देना है, सबसे पहले किनारे सिक्योर करने, फिर उंगली से इसका डिज़ाइन बना लेना है। अब मैंने पहले से 15 से 20 मिनट ओवन को प्री हीट कर लिया था 200 डिग्रीज के ऊपर, और इसके अंदर मैंने ये पैन रख दिया है। इसको हम बेक करना स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर देंगे और इसके अंदर हम दोनों साइड के ऊपर ऑयल से ब्रश करेंगे। आप ऑयल भी ब्रश कर सकते हैं, देसी घी या मक्खन, जो आपको पसंद हो। इन्हें अच्छे तरीके से हम बेक करेंगे ओवन में और तकरीबन इसके अंदर हमें 15 मिनट का टाइम लगेगा। आप अगर चाहें कि इसके ऊपर कलर अच्छा है तो आप ब्रॉयल खोल के 3-4 मिनट के लिए ब्रॉयल में से कलर भी दे सकते हैं। अब देखिए जितनी देर मैंने ये रेडी किया इतनी देर में 15 मिनट में ही ये हमारे तवे वाले कबाब जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो गए। बटर नाइफ से मैं काट रही हूँ और आप देखिए कितने आराम से कट रहे हैं। बस इनको दोनों तरफ से अच्छा सा सेक के और मैं निकाल लूँगी। चूँकि ये फ्राइंग पैन में या तवे पे बनते नहीं, इसलिए इनका शेप और शक्ल जो है वो ऐसी ही रहेगी। तो अब देखिए हमारे दोनों तरह के कबाब रेडी हो गए थे, तो मैं इनको निकाल रही हूँ। निकालने का तरीका ये है कि आपने सीख को टिश्यू पेपर से पकड़ के आगे से हल्का सा दबाना है और कबाब को पीछे से दबा के आपने निकाल लेना है। एक लम्हे में ये निकल जाएगा। इसे अफ़गानी नान के ऊपर सर्व करते हैं, मेरे पास ऐसा कोई था नहीं अफ़गानी नान मंगाने के लिए, तो मैं इसे घर की ही चपाती पे सर्व कर रही हूँ विद सैलड और बहुत ही ज़बरदस्त पुदीना रायता। वाइट कोफ्तों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए उसमें सबसे पहले तो आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। ये मैंने बहुत छोटी छोटी बोटियाँ करके और चॉपर मशीन के अंदर पहले से चला लिया है। उसके अलावा इसके अंदर आधा बन जाएगा हरे धनिए का, 4 से 5 हरी मिर्चें जितनी आप पसंद करते हैं उतनी ले सकते हैं, एक लीमू का रस जाएगा इसके अंदर। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने जिंजर जो है वो जूलियन काट लिया है, ये चॉपर में चल जाएगी तो बिल्कुल बारीक हो जाएगी। एक मीडियम साइज़ की अनियन है ये इसके अंदर इस्तेमाल होगी। 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये खशखश और चनों का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। तो ये मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी और 1 टेबलस्पून मैं इसकी ग्रेवी में भी यूज़ करूंगी क्योंकि वो वाइट ग्रेवी है तो हमें उसके अंदर भी थोड़ा सा थिकनेस के लिए कुछ चाहिए होगा। इसके अलावा जो मसाले हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे उसमें इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल्ड है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लेवल्ड है नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है दखनी मिर्च पाउडर यानी सफ़ेद मिर्च पाउडर। और ये जो ख़ास इंग्रेडिएंट है जो मस्ट है इसके लिए इस रेसिपी में आप ज़रूर डालिएगा, ये है कोकोनट मिल्क पाउडर यानी कि नारियल का पाउडर जो कि अक्सर साशे में मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो जो खोपरा होता है घर में अक्सर रखा होता है उसे पकते हुए गर्म पानी में बना आधा घंटा उसको भिगो दें गर्म पानी में, खशखश के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये एक सिंपल सी बात है। जो चीज़ें मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए वो तकरीबन सेम हैं, तो मैं आपको बता दूं 1 टेबलस्पून खशखश और चनों का पेस्ट मैं इसके अंदर डालूंगी ग्रेवी में। क्रीम जाएगी 2 से 3 टेबलस्पून, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहते हैं। 1/2 कप तकरीबन इसके अंदर जाएगा दही का। एक मीडियम साइज़ की ही प्याज मैंने बारीक काट के रखी है, इसको मैं स्लाइटली गोल्डन करूँगी, सिर्फ एजिस गोल्डन होंगे और मैं निकाल लूँगी। इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसके अंदर बादाम का पेस्ट जाएगा, ये मैंने बना के रखा है, ये 12 बादाम लिए थे मैंने। इसके अलावा 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसी तरीके से थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी गार्निशिंग के लिए, अदरक जाएगी गार्निशिंग के लिए। और इसके जो मसाले हम इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर ये कोकोनट मिल्क पाउडर के अलावा इसी तरीके से ये मसाले इस्तेमाल होंगे, नमक, ज़ीरा, काली मिर्चें और दखनी मिर्चें सब 1 टीस्पून है, ये सब चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। चॉपर मशीन के अंदर मैंने हरा धनिया, अदरक, प्याज और हरी मिर्चें चारों चीज़ें डाल दी हैं, अब मैं इन्हें चॉप करूंगी।
मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये हरा मसाला डाल लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा इसके अंदर। दो खाने के चमचे दही, दो खाने के चमचे खसखस का पेस्ट, एक नींबू का रस, ये हो गया। और अब चला गया इसके अंदर तमाम मसाला। सब चीजों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो मैं पहले मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मिक्स कर लिया है और आप देखिए ये कितना चिपचिपा है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपने कीमे को सख्त रखा, कम पानी में रखा, तो आपका कीमा बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा पकने के बाद और आपके कोफ्ते जो हैं बहुत सख्त बनेंगे। इसे एक तरफ रख देते हैं और अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम ऑयल जो है वो पैन में गरम कर लिया है। अब इसमें जाएगी प्याज, प्याज को मैं उस वक्त तक ब्राउन करूंगी जब तक कि उसके किनारे ब्राउन हो जाए। जैसे ही इसके किनारे ब्राउन होना स्टार्ट होंगे मैं इसे निकाल लूंगी और दही के साथ हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं इसके एजेस कहीं कहीं प्याज के ब्राउन होने शुरू हो गए। बस मुझे इतनी ही प्याज ब्राउन करनी है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। स्टोव को इस वक्त मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त तेल का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा हाई है। अब इस वक्त इसके अंदर चला जाएगा लहसुन का पेस्ट, साथ ही जाएगा थोड़ा सा पानी। अब साथ ही तमाम मसाला चला जाएगा। अब जितनी देर में ये पानी खुश्क होगा उतनी देर हम मसाला भून लेंगे। चूंकि वाइट कोफ्ते में मुझे मिर्चें थोड़ी मुनासिब पसंद है, इसीलिए इसी वक्त मसाले के साथ ही मैं दो मिर्चें गोल काट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिर्चों का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। सिर्फ एक से डेढ़ मिनट में ही मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर मैं तमाम पेस्ट डालूंगी। एक खाने का चम्मच खसखस और चने का पेस्ट और दो खाने के चमचे बादामों का पेस्ट। मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से और मैं थोड़ा सा आधा कप इसमें पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर एक जोश आने देती हूँ और आंच को धीमी करके इसे पका लेते हैं। तकरीबन 4-5 मिनट पकाते हैं और इतनी देर हम दही प्याज का ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए ये वाला मसाला तो भुन गया है। अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा दही प्याज का पेस्ट। सारे पेस्ट अच्छे तरीके से हम भुनेंगे और आखिर में हम फिर इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हैं और बादाम और काजू का पेस्ट डालने के बाद आपने बहुत ज्यादा पैन का ध्यान रखना है क्योंकि ये फौरन फौरन चिपकने लगते हैं। तो अब हम इसे भी भूनते हैं अच्छे तरीके से और बीच में 2-3 बार हम इसे स्टर करते जाएंगे, गाहे गाहे से मिक्स करते जाएंगे। तो इसे कवर कर देते हैं और 2-3 मिनट इसे भी भून लेते हैं। दही भुन गया है और अब आप देख लीजिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने इसके अंदर कोफ्ते डालने, तो मैं इसके अंदर फुल आंच करके सिर्फ और सिर्फ 1/4 कप पानी डालूंगी। पहले अब इसे एक जोश आने देंगे। अब हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे और कोफ्ते मैंने पहले से बना के रखे हैं, मैं आपको दिखा दूं। और हाथ में तेल लगाते जाइए और जितने बड़े साइज का आपको बॉल बनाना है उतना बनाते जाइए। तो अब हम इसे मसाले में बिछाएंगे। तो ये देखिए एक ही दफा में तमाम कोफ्तों की जगह बन गई है। अब हम इसको हिलाएंगे, तो इस तरीके से हिलाएंगे, ठीक है।
अब हम इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, और इनमें से पानी निकलेगा और ये कम्प्लीटली कुक हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो कोफ्ते हमारे गल गए हैं, थोड़ा सा इसके अंदर पानी है जो खुश्क करना रह गया है, तो इसी वक्त मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम, सिर्फ थोड़ी सी, एक चाय का चम्मच बचा रही हूँ मैं, जो कि हमने इस्तेमाल करनी है गार्निशिंग के लिए। इसे मिक्स करते हैं, और मिक्स करने का तरीका इनको है ये। साथ ही अब इसके अंदर मैं हरी मिर्ची डाल दूंगी और हरा धनिया डाल दूंगी। आंच को धीमा कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट हम दम पे रखते हैं, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। तो हमारे मज़ेदार वाइट क्रीमी कोफ्ता बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है, आप अपने दावतों में, अपनी पार्टीज में इसको बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक दीजिए। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके लिए, 4 आम लिए हैं मैंने, स्लाइस कर लिया है। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे और फिर उसके बाद स्ट्रेनर से छान के इनका फाइबर अलग कर लेंगे। एक आम को मैंने बारीक स्लाइस में कर लिया है लेयर करने के लिए और गार्निश के लिए। इसके अलावा मैंने थोड़े से पिस्ते लिए हैं, ब्लांच करके उनका छिलका उतार के स्लाइस कर लिया है। साथ ही मैंने 2 बॉक्स लिए हैं क्रीम के, आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 3/4 कप मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। एक प्लेन केक लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको किसी बिस्किट से लेयर भी कर सकते हैं, तो आप ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे दूध में डिबो के लेयर कीजिएगा, और केक के ऊपर भी आपने थोड़ा सा दूध लगाना है, मैं लगाना भूल गई थी। सबसे पहले आम को हम ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेनर से इसे अच्छे तरीके से हम छान लेंगे, और छानने के बाद इसका फाइब्रस पार्ट जो है उसको फेंक देंगे। अब सबसे पहले मैंने एक ठंडे प्याले के अंदर ठंडी की हुई क्रीम रखी है, और मशीन के जो विस्कर हैं वो भी मैंने ठंडे किए थे फ्रीज़र में। हल्की स्पीड के ऊपर इसे 2 मिनट के लिए हम पहले बीट करेंगे। तकरीबन 2 मिनट इसे अच्छे से बीट करने के बाद हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क मिलाएंगे, तो पहले कम शामिल कीजिएगा, तो मैंने आधा शामिल किया है इसके अंदर इस वक्त। इसे अब हम दोबारा से मीडियम स्पीड के ऊपर बीट कर लेंगे, और हमें इसे लाइट एंड फ्लफ़ी करना है, लेकिन हमें स्टिफ पीक्स या सॉफ्ट पीक्स तक नहीं जाना। अब इस वक्त इसके अंदर जाएगा मैंगो का प्यूरे, जो मैंने मैंगो का प्यूरे बनाया था 4 आमों का, उसमें से 2 हिस्से मैंने शामिल किया है और 1 हिस्सा मैंने सॉस के लिए छोड़ दिया है। तो आपके आम जिस तरह मीठे हों, आप देख के उसके हिसाब से ही मैंगो प्यूरे शामिल कीजिएगा। 2 इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर बहुत ही ऑप्शनल हैं, वो हैं मैंगो एसेंस और ऑरेंज फूड कलर। आप ऑरेंज या येलो फूड कलर शामिल कर सकते हैं, 4 से 6 ड्रॉप्स, या जितना आप पसंद करें। साथ ही मैंने इसके अंदर आधा टीस्पून मैंगो एसेंस शामिल किया है, जो बाज़ार में हर जगह इजीली अवेलेबल है। इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर विस्कर से मिक्स कर लेते हैं, और अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 मिनट मैंने इसे और बीट किया है, और उसके बाद मैंने इसे चख लिया। मुझे लगा कि इसके अंदर मिठास कम है, तो मैं बाकी का कंडेंस मिल्क भी शामिल कर रही हूँ, तो आप 3/4 कप तक चख के शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसको एक पायरेक्स की डिश के अंदर लेयर करने के लिए डाल लिया है। इसके ऊपर थोड़े से मैंगो चंक्स जाएंगे। अब इसके ऊपर हम केक की लेयर लगा रहे हैं, और मुझसे गलती हुई, मैंने केक के ऊपर दूध नहीं लगाया, लेकिन आप चम्मच से इसके ऊपर पहले दूध लगाइएगा और फिर दूसरी लेयर डालिएगा मैंगो के मिक्सचर की। तो दूसरा लेयर भी इसके ऊपर डाल लेते हैं। इसके बाद इस पे दोबारा से हम मैंगो चंक्स डाल देंगे। अब इसके बाद जो हमने पिस्ते तैयार करके रखे थे वो डालेंगे, अच्छे से इसे गार्निश करने के बाद हम क्लिंग फिल्म लगा के इसे तकरीबन 6 घंटे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, या फिर इसे हम ओवरनाइट फ्रीज कर लेंगे। अब हम इसके लिए एक सॉस रेडी कर रहे हैं, तो बाकी बचा हुआ मैंगो प्यूरे मैंने एक पतीली में डाल दिया है। इसके अंदर जाएगा आधे से तकरीबन 1 ग्लास पानी,
और साथ ही मैंने इसमें शुरू में 3 टेबल स्पून चीनी डाली है, लेकिन मैंने कुल इसके अंदर 5 टेबल स्पून चीनी डाली थी। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट पका लेंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा और सिरप जैसा हो जाएगा तो बस ये रेडी हो जाएगा। आप देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इसे जो है वो ठंडा कर लूँगी, और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा अभी कुछ कसर बाकी है तो आप छान लीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने जो तैयार किया हुआ है अपना डेजर्ट, हम इसके किनारों के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सा रेडी हो गया है। आप इसको फ्रिज में रख के 4-5 घंटे चिल्ड करके खा लें, या फिर आप इसको फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लें और एज ए आइसक्रीम डेजर्ट के सर्व करें, आपके ऊपर है।